भगवत गीता गीता आपनार शास्त्र अथ ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कोनो कर्मई आमाके प्रभावित करते पारे ना एवं आमी कोनो कर्मफलेर आकांक्षा करी ना। आमार ए तत्त्व जिनी जानें तिनी कखनोई सकाम कर्मेर बंधने आबद्ध हन ना। ए जड़ जगतेर संविधाने उल्लेख थाके जे राजा कोनो भूल करते पारे ना अथवा राजा राष्ट्रेर आईनेर अधीन नन, तेमनी ए जड़ जगतेर अधीश्वर भगवानो जड़ जगतेर कोनो कर्मेर द्वाराई आबद्ध नन, जदिओ तिनी ए जड़ जगत सृष्टि करेछेन। तबुओ ए जड़ जगत सम्पर्के तिनी सम्पूर्ण निराशक्त ओ उदासीन, किन्तु जीव जड़ा प्रकृतिर ऊपर आधिपत्य करते चाय बोले कर्मफलेर बंधने आबद्ध हये पड़े। कोनो प्रतिष्ठानेर मालिक जेमन तार कर्मचारीदेर सत् असत् कोनो कर्मेर जन्यई दायी नन, कर्मचारीराई तार जन्य दायी हये थाके। जीवो तेमन तार कर्मफल भोग करे थाके। इंद्रिय सुख भोग करबार जन्य जीव नाना रकम कर्म करे चले। भगवान कखनोई एई धरनेर कर्म करबार विधान देननि, किन्तु ता सत्त्वेओ जीव उत्तरोत्तर आरो बेशी इंद्रिय सुख भोग करबार जन्य एई संसारे कर्म करे एबं मृत्युर पर स्वर्गसुख भोग करबार कामना करे। भगवान जेहेतु स्वयं सम्पूर्ण তাই তার তথাকথিত স্বর্গসুখের প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ নেই। স্বর্গের দেবদেবীরা হচ্ছেন ভগবানেরই দাসদাসী, যাদের ভগবান নিজেই নিয়োজিত করেছেন। কর্মচারীরা যে প্রকার নিম্নস্তরের সুখ ভোগ করতে চায় মালিক কখনোই তা চায় না। ভগবানেরও তেমন জড় সুখ ভোগের কোনো স্পৃহা নেই। তিনি সবসময়ই জাগতিক কর্ম এবং তার ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পৃথিবীতে নানা রকম গাছপালা সৃষ্টির জন্য বৃষ্টি দায়ী নয়, যদিও বৃষ্টির অভাবে কোনো গাছপালা জন্মানোর সম্ভাবনাই থাকে না।